वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नागरिक संशोधन विधेयक 2019 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको डिस्कस करेंगे। एनआरसी वर्सेस कैब, एनआरसी क्या है और कैब क्या है इसके बारे में जानेंगे। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, इनर लाइन परमिट जो है कौन कौन से राज्यों में लागू है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन कौन से राज्य में हैं और कितने हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान क्या है। अब ये जो नागरिक संशोधन विधेयक है अब ये अधिनियम बन चुका है क्योंकि राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये लागू नहीं होगा और कुछ राज्यों में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर ये लागू नहीं होगा, बाकी पूरे राज्यों में लागू होगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सबको इस वीडियो में जानेंगे और सभी को मैं मैप के साथ बताऊँगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए और वीडियो के लास्ट में मैं क्विज लगाऊंगा, तो क्विज को भी जरूर सॉल्व करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये नागरिक संशोधन अधिनियम 2019? बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस एक्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी भारत में अल्पसंख्यक आए हुए हैं, 6 समुदाय, इन 6 समुदायों को ध्यान में रखिए, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, तो जो भी इन 6 समुदायों से लोग इन तीनों कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए हुए हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है इस एक्ट में। क्लियर? भारत सरकार का दावा है कि इन समुदायों को इन तीनों देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है जिसकी वजह से भागकर भारत आए हुए हैं, इसी वजह से भारत सरकार इन्हें नागरिकता दे रही है। इसके लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पेश किया, 9 दिसंबर को, लेकिन देर रात लोकसभा में ये बिल पास हो गया, यानी 10 दिसंबर हो चुका था। कुल 391 मतों में से इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े और इसके विरोध में 80 वोट पड़े, ठीक है, तो लोकसभा में पारित हो गया आसानी से, 311 वोट पड़े इसके पक्ष में। उसके बाद राज्यसभा में 11 दिसंबर को ये बिल पेश किया गया, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया, इसके पक्ष में 125 वोट पड़े और इसके विरोध में 105 वोट पड़े राज्यसभा में, ठीक है, तो राज्यसभा में भी 11 दिसंबर को आसानी से ये पास हो गया, ठीक है, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी मंजूरी दे दी। तो पहले ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये एक्ट हो गया, यानी अधिनियम हो गया, एक कानून बन गया, ठीक है। ये जो संशोधन अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन करके ये एक्ट लाया गया है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, तो नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 2016 में ही ये बिल लाया गया था और जनवरी 2019 में लोकसभा में ये बिल पारित हो गया था, लेकिन 16वीं लोकसभा समाप्त हो गया, कार्यकाल उसका संपन्न हो गया, जिसके वजह से राज्यसभा में ये बिल नहीं जा पाया था, तो फिर से इसे दोबारा से इस बार दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में भी पेश किया गया और सभी जगह आसानी से पारित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो नागरिक संशोधन अधिनियम है इसको संशोधित किया गया है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जो नागरिक अधिनियम 1955 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी किसी भी देश से अवैध रूप से जो भी भारत में आए हुए हैं, बिना वैध कागजात के जो भी भारत में आए हुए हैं, ये एक्ट बोलता है कि या तो उन्हें कैद में रखा जाए या फिर उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाए। इस एक्ट में ये बात साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं भी धर्म का नाम जिक्र नहीं है, ठीक है, नागरिक अधिनियम 1955 में साफ साफ ये बात कहा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब इन तीनों कंट्री से या फिर जो भी मुस्लिम कंट्री हैं वे भारत में नागरिकता नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन पहले जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था
उसी के हिसाब से नागरिकता लिया जा सकता है। भारत में नागरिकता लेने के लिए पिछले 14 सालों में से 11 साल भारत में रहना जरूरी है, और उसमें भी पिछले एक साल से लगातार भारत में वो व्यक्ति रह रहा हो तो वो नागरिकता ले सकता है, चाहे वो पाकिस्तान का मुस्लिम ही क्यों ना हो। ठीक है, ये अभी भी प्रावधान बरकरार है, इसे ख़त्म नहीं किया गया है। अब ये अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसमें सहूलियत दिया गया है 6 समुदायों को, जो भी इन तीनों कंट्री से भागकर भारत में आए हुए हैं। तो जो 11 साल का प्रावधान है भारत में कि पिछले 14 साल में से 11 साल जो भी व्यक्ति भारत में रहेगा उसे नागरिकता दिया जा सकता है अगर वो अप्लाई करता है, तो अब इन 6 समुदायों को 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया गया है, और कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है 31 दिसंबर 2014 को। इस डेट को आप लोग ध्यान में रखना, 31 दिसंबर 2014 कट ऑफ डेट है, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले इन तीनों देशों से जो भी अवैध इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, 6 समुदाय के, सिख, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन है यानी अपवाद हैं उसको डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि 6 अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम में इन राज्यों के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। असम में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ADC का फुल फॉर्म होगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इसे बनाया गया है ट्राइबल की रक्षा के लिए, जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं इनकी हितों की रक्षा के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया गया है इन राज्यों में। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 10 ADC हैं, जिसमें असम में 3 हैं, मेघालय में 3 हैं, मिजोरम में 3 हैं और त्रिपुरा में 1 हैं। ठीक है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो जान लीजिए। ये देख लीजिए, मेघालय में 3 हैं, खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, मेघालय में 3 हैं। मिजोरम को तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मिजोरम जो है यहाँ पर इनर लाइन परमिट लागू है, तो ऑलरेडी मिजोरम में कोई भी नहीं जा सकता है। ये कैब जो है, कैब के जरिए जो भी शरणार्थी हैं वो मिजोरम में वैसे भी नागरिकता नहीं ले सकते, मतलब यहाँ पे जाके बस नहीं सकते हैं, यहाँ पे जाके ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। हालांकि मिजोरम में भी 3 ADC हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, चकमा, लाई, मारा। वहीं त्रिपुरा में 1 है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज, यानी वेस्ट त्रिपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा का पूरा ADC है, यानी ADC के अंतर्गत आता है। असम में 3 है, दीमा, हसाओ, कार्बी, आंगलोंग और बोडोलैंड। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये अपवाद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में कैब लागू नहीं होगा, बाकी पूरे राज्यों में कैब लागू होगा इन उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, त्रिपुरा में 1 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कैब लागू नहीं होगा। आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात किए हैं इनर लाइन परमिट का। इनर लाइन परमिट जो है कुल 4 राज्यों में लागू है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। चलिए सबको मैं मैप के साथ आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रहा मैप, यहाँ पे देखिए, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये नागालैंड और मिजोरम, अब साथ साथ में मणिपुर भी है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इनर लाइन परमिट लागू हो गया है। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि चाहे आप भारत के ही हैं लेकिन अन्य राज्य से हैं तो आप यहाँ पर जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पर परमानेंटली बस नहीं सकते हैं। तो यही है इनर लाइन परमिट। तो जब आप भारतीय होकर इस राज्य में जाकर बस नहीं सकते हैं तो ये जो शरणार्थी हैं जो जिन्हें नागरिकता दिया जा रहा है ये कैसे बसेंगे? तो इन 4 राज्यों में ये शरणार्थी जाकर बस नहीं सकते हैं। क्लियर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और बाकी जो राज्य हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा,
ठीक है। तो इन तीन राज्यों में, तीन तीन डिस्ट्रिक्ट अभी मैंने बताया है, उन तीन तीन डिस्ट्रिक्ट में कैब लागू नहीं होगा, बाकी पूरे राज्यों में ये कैब लागू होगा। यानी जहाँ पर कैब लागू होगा, ये शरणार्थी जिन्हें नागरिकता दी जाएगी वहाँ पर जाकर बस सकते हैं, जमीन घर भर खरीद सकते हैं। ठीक है। मणिपुर में पहले इनर लाइन परमिट लागू नहीं था, लेकिन हाल ही में एक हफ्ता हुआ कि राष्ट्रपति ने जो ILPA इनर लाइन परमिट मणिपुर में लागू कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इनर लाइन परमिट को किस एक्ट के तहत लागू किया गया है इन चारों राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में? अंग्रेजों के समय बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873, इस एक्ट के तहत इन राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया है, मणिपुर को छोड़कर। ठीक है। मणिपुर में बाद में ये प्रावधान किया गया और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो हाल ही में मणिपुर में लागू हुआ है। बाकी तीन राज्यों में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत इनर लाइन परमिट लागू किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता ये है कि अभी जितने भी पूरे भारत वर्ष में हंगामा हो रहा है, बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं इस बिल के विरोध में, उनका क्या सवाल है? तो देखिए, सवाल ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता दिया जा रहा है, किस आधार पर? धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, ये भारत के चार ऐसे पड़ोसी देश हैं कि जहाँ पर कुछ अल्पसंख्यकों के ऊपर भी प्रताड़ना हुआ है। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म है बौद्ध धर्म, लेकिन वहाँ पर जो भी तमिल हैं उनके ऊपर प्रताड़ना किया जाता है अक्सर, और बहुत सारे तमिल जो हैं भागकर तमिलनाडु में शरणार्थी के रूप में रह भी रहे हैं, लेकिन इस बिल में उनको नागरिकता देने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं पाकिस्तान में एक समुदाय है अहमदिया, यह है तो मुस्लिम, बट पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुस्लिम नहीं माना जाता है, और साथ साथ में शिया भी जो समुदाय है उसे भी मुस्लिम नहीं माना जाता है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में इन्हें भी प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो इनके बारे में भी इस अधिनियम में कोई भी नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। और इन सभी पड़ोसी देशों में नास्तिक बहुत हैं, नास्तिक मतलब जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको भी इस कैब में जगह नहीं दी गई है। तो इसी वजह से सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो गया है कि यह धार्मिक आधार पर क्यों कैब लाया गया है, कि सिर्फ एक समुदाय को छोड़कर और भारत के अन्य पड़ोसी देशों को में जो भी अल्पसंख्यक हैं और जो भी नास्तिक हैं, या फिर नेपाल के मधेसी हैं और म्यांमार के रोहिंग्या भी हैं। देखिए, म्यांमार जो है, हालांकि वहाँ का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध नहीं है, लेकिन म्यांमार में जो है सिर्फ बौद्ध धर्म ही माना जाता है, वहाँ पर मुस्लिम को अल्पसंख्यक माना जाता है, तो रोहिंग्या पर काफ़ी अत्याचार हुआ है, तो उसको भी इस कैब में शामिल नहीं किया गया है। जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका कहना यह है कि जो भी रोहिंग्या हैं वो वाया बांग्लादेश भारत में आ रहे हैं। वैसे बांग्लादेश ने बहुत सारे शरणार्थियों को, रोहिंग्या शरणार्थियों को जगह दिया है, बट भारत सरकार का कहना है कि वो वाया बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ साफ गृह मंत्री ने ये बोला है। ठीक है। तो बात यहाँ पर यह है कि जो अनुच्छेद 14 है, जिसमें समता और समानता का बात कहा गया है, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि चाहे वो देश का व्यक्ति हो या फिर किसी विदेशी व्यक्ति हो, कोई भी विदेश का व्यक्ति हो, अगर वो भारत में आता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भी उच्च नीच का भावना नहीं होगा, और जिस तरह से ट्रीटमेंट भारतीयों को किया जाता है उसी तरह उसके साथ भी किया जाएगा, वैध रूप से अगर आता है, और अवैध रूप से अगर आता है तो उसे या तो कैद किया जाएगा या तो उसे उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो अनुच्छेद जो 14 में है, समानता का अधिकार, उसमें थोड़ा सा ये कैब जो है थोड़ा सा खलल डाल रहा है, यानी उस बात को नहीं मान रहा है, इसी के वजह से बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। अब NRC और कैब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, इन दोनों का आपस में संबंध कैसे है। देखिए, भारत सरकार ने पूरे देश में NRC लागू करने की घोषणा की है, लेकिन हाल ही में असम में NRC लागू हुआ था और 19 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रूव्ड नहीं कर पाए हैं कि वे भारत के हैं, यानी उनसे जो कागज बोला गया था देने के लिए वे दस्तावेज वो पेश नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में शामिल नहीं हो पाया है। इन 19 लाख लोगों में से 13 लाख हिंदू हैं और बाकी मुस्लिम हैं। ठीक है। अब देखिए, NRC का संबंध कैब से कैसे है। कैब में यह कहा गया है कि 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है।
तो 13 लाख जो हिंदू हैं एनआरसी में, जो असम में हुआ था, उसमें से 13 लाख हिंदू ऐसे हैं जो कि प्रूव नहीं कर पाए हैं। अब ये जो कैब आया है, इस हिसाब से उनके ऊपर जो केस चल रहा था 13 लाख हिंदुओं के ऊपर, वो केस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। बाकी बचे 6 लाख, तो 6 लाख मुस्लिम हैं, और क्योंकि कैब में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, इस वजह से अब मामला चलेगा सिर्फ मुस्लिम के ऊपर। ठीक है, तो एनआरसी और कैब का संबंध इससे, यानी कैब आने के बाद जो भी एनआरसी में हिंदू समुदाय या फिर 6 समुदाय के लोग शामिल नहीं हुए थे, उन्हें राहत मिल गई है और उनके ऊपर जो केस चल रहा था वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया है। तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। पहला क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में किस दिन पारित हुआ? 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। इसके पक्ष में 311 वोट पड़े थे। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में 6 समुदायों को नागरिकता देने के लिए कट ऑफ डेट क्या है? इसका कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2014, ऑप्शन डी। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किस देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है? तो श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है इस अधिनियम में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों में किस समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहूदी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में लागू नहीं है? तो पूर्ण रूप से अरुणाचल प्रदेश में कैब लागू नहीं है। ठीक है, और बाकी जो भी राज्य हैं यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू है, सिक्किम में, असम और मेघालय में, कुछ जिला को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में लागू है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में इनर लाइन परमिट किस रेगुलेशन एक्ट के तहत लागू किया गया था? अभी मैंने आप लोगों को बताया है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत इन तीनों राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू किया गया, और मणिपुर में हाल ही में लागू किया गया है। मणिपुर का भी नाम ध्यान में, मणिपुर का भी मणि। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में इनर लाइन परमिट किस रेगुलेशन एक्ट के तहत लागू किया गया था? ऑप्शन देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। इसी एक्ट के तहत इन तीनों राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है, और मणिपुर में हाल ही में ILP लागू हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ आप लोगों को, नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दीमापुर। तो दीमापुर डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर पूरे नागालैंड में इनर लाइन परमिट लागू है। ठीक है, दीमापुर डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान में रखिए, दीमापुर। ठीक है, इनर लाइन परमिट के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, इनर लाइन परमिट का मतलब एक ये भी है कि अगर आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं, या फिर काम करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, तो इन राज्यों से आपको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, कि आप कितने दिन रुकेंगे उन राज्यों में और कब वहाँ से जाएंगे, तो आपको एक परमिशन मिलता है, आपको एक कागज़ मिलता है, उस आधार पे आप इन राज्यों में जाकर रह सकते हैं, कमा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं या फिर घूम सकते हैं। बिना परमिट के आप इन राज्यों में नहीं जा सकते हैं जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू है। ठीक है, मान कर चलते हैं कि आप वहाँ पर पढ़ने गए हैं 1 साल के लिए, तो आप परमिट करा सकते हैं, हालांकि 6 महीने का ही एक बार परमिट होता है, तो 2 बार करके आपको परमिट लेना पड़ेगा, और आप इसे राज्यों में रहकर रिन्यू भी करा सकते हैं। ठीक है, नागालैंड का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर इनर लाइन परमिट लागू नहीं है? अभी मैं बताया, दीमापुर। ठीक है, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति ने किस दिन मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन देखिए,
12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी। लोकसभा में 10 दिसंबर को पारित किया गया, राज्यसभा में 11 दिसंबर को रात में और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी। 11 दिसंबर को राज्यसभा में नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में कितने वोट पड़े? 125 वोट पड़े इस बिल के पक्ष में राज्यसभा में, और इसके विरोध में 105 वोट पड़े थे राज्यसभा में। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, मणिपुर 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर करंट अफेयर पढ़ने के लिए, जीके पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।